हेलो स्टूडेंट्स, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2। ठीक है, 7.2 7.1 के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो क्या ये मान लो कि यार अब अच्छा वाला जो इंटीग्रेशन है ना, वो यहाँ से शुरू हुआ है। अभी तक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे थे और सॉल्यूशन कर रहे थे, अब मेथड्स आएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड होते हैं। तीन में से ये पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वो टेंथ वाला सब्स्टिट्यूशन नहीं भाई, ये ट्वेल्थ वाला है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन जैसे नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट करना, वैल्यू रखना। ठीक है, अब कैसे वैल्यू रखेंगे, कैसे क्या सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। और एक चीज का ध्यान रखना, इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीजें पैरेलल साथ के साथ चल रही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कब मैं बोल रहा हूँ डिफरेंशिएशन, कब मैं बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर ये चीज याद नहीं रखोगे तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मेनली हमें ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन करना है, हमें करना इंटीग्रेशन ही है, लेकिन डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करके हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूट किसको करते हैं, इसमें जो भी इंटीग्रेशन होता है उसमें चेन रूल नहीं है हमारे पास, ना ही डिवाइड मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब डिवाइड मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन में एक वैल्यू हम ऐसी लेंगे जिसको टी मानना है। ठीक है, अब टी मानने के लिए दो चीजें दिमाग में रखना, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, बाकी और अदर टीचर का हो सकता है अलग, मेरा कॉन्सेप्ट है। टी हम उस वैल्यू को मानते हैं पहली चीज तो, कि जो वैल्यू इंटीग्रेट करने में डिफिकल्टी आ रही है, पहली चीज तो टी उसको मानते हैं जिसको इंटीग्रेट करने में डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, दूसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, टी हम उस वैल्यू को मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन करने पर दूसरी वैल्यू आती है। ये दो कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखना, तब इजीली टी मानने वाली वैल्यू समझ पाओगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखो 1 + x² डिवाइड में दे रखा है, मुझे पता है कि इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो इसको ही मैं मानूंगा टी। हर एक चीज देखना, सबसे पहले टी माना, डिफरेंशिएट करो इसका, 2x dx बराबर dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x² का 2x, dx dt। ठीक है, अब इसको अरेंज करना है इंटीग्रेशन में। ठीक है, 2x dx, 2x dx हटाया, इसकी जगह लिख सकते हैं हम dt, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन में इसकी जगह हम लिख सकते हैं t। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है इसकी जगह हम लिख सकते हैं t। ठीक है, क्यों किया है मैंने ऐसा, क्योंकि मैंने पूरी इक्वेशन को t की फॉर्म में चेंज कर दिया ताकि t की फॉर्म में इंटीग्रेशन कर सकूं, जो कि इजी होगा अब इंटीग्रेट। ठीक है, देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, सेम ऐसे 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t। ठीक है, और log t की वैल्यू रख दो 1 + x² + c, t की ये वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक है, ऐसे ही अगला ये क्वेश्चन है, देखो log x का डिफरेंशिएशन करने पे 1/x आता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, log स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन हमने पढ़ा नहीं है भैया अभी तक। ठीक है ना, तो log स्क्वायर तो छोड़ो, log का ही नहीं पढ़ा अभी तो। तो log x को मानते हैं t, log x को माना मैंने t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx बराबर dt, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब अरेंज करो dx अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स को हटा के इसकी जगह लिख दिया डी टी, बचा हमारे पास लॉग एक्स, लॉग एक्स को माना था टी और स्क्वायर है तो टी स्क्वायर। ये अरेंजमेंट देख लो भाई। ठीक है, और जब तक नहीं समझ में आया रिपीट कर करके देखना इसको, टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3, ये लिख देंगे टी की जगह लॉग एक्स की पावर 3/3 + c। ठीक है, टी की जगह लॉग एक्स रख के सॉल्व कर दिया, तो ये पूरा मेथड हमारा सॉल्व हो गया। टी की जगह वैल्यू रखनी है ये, ठीक है,
कई लोग भूल जाते हैं टी की जगह वैल्यू रखना, मार्क्स काट सकता है एग्जामिनर और काटता है, 100% काटता है इसमें, तो वैल्यू रखनी है हमें। ठीक है आगे, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। वन अपॉन एक्स वन प्लस लॉग एक्स, देखो हंसी क्यों आ रही है बताओ मैं। सर आपको कैसे पता चला सर यहाँ पे एक्स आ रहा है? सर यहाँ पे इसके इसके ऊपर लिखा तो नहीं है सर एक्स कॉमन आ रहा है या एक्स कॉमन लेना है? देखो क्या है, रियलिटी बोलूंगा, इतनी बार करा चुके हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम्हें भी वही चीज अप्लाई करनी है, दो तीन बार रिवाइज करोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा ये क्वेश्चन है, एक्स कॉमन लिया था सर ने, हमें भी लेना है। ठीक है, तो उसी टाइप से देखो क्या है ना कि कई लोग बोलते हैं कि सर मैथ्स तो हमने इसलिए लिए क्योंकि हमें रटना ना पड़े। देखो गलत है ये चीज, मैथ्स में भी रटना पड़ता है लेकिन उस रटने का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, अलग थिंकिंग होती है। ठीक है, वो हम रिवाइज इतनी बार करते हैं कि वो चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं या उससे रिलेटेड हम चीजें कर पाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ही करना है इसका सॉल्यूशन। अब देखो वन प्लस लॉग एक्स को माना टी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स वन अपॉन एक्स इसको हटाया इसकी जगह लगा दिया डी टी, बचा हमारे पास ये वन अपॉन इसको माना था मैंने टी, इसका इंटीग्रेशन लॉग टी और लॉग टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। और यार इसके है ना देखो इंपॉर्टेंट मत लिखवाओ, दो तीन एक्सरसाइज तक सारे ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ते चलो बार बार रिवाइज करते चलो। ठीक है, अगला कॉस एक्स, सर ये कहाँ से आ गया सर? ये साइन के एंगल में कॉस एक्स दे दिया सर, इतना डिफिकल्ट थोड़ी देते हैं यार, ये डिफिकल्ट आ गया सर, कॉस एक्स को हटाएंगे सर, कॉस एक्स को ही मान लो फिर टी, हटाना है तो इसको ही, कॉस एक्स को माना टी, डिफरेंशिएशन साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, साइन ये माइनस का साइन ये सर इधर आ जाएगा सर, माइनस का साइन इधर आ गया, साइन एक्स डी एक्स हटाया इसकी जगह लिख दिया डी टी, माइनस का साइन कॉस एक्स को माना था टी, साइन टी, साइन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी और कॉस टी की जगह वैल्यू रख दो कॉस एक्स प्लस, तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, थोड़ा सा देखो सब्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा कहाँ टी ले रहे हैं और कैसे अरेंज कर रहे हैं, ये अरेंज आ गया फिर तो इजी है, ये दो स्टेप अच्छे से देखना है बहुत। देखो क्या है कि सबसे पहले टी माना डिफरेंशिएशन किया, सुनना ध्यान से, सबसे पहले टी माना डिफरेंशिएशन किया इंटीग्रेशन किया और वैल्यू टी की पुट कर दी, टी माना डिफरेंशिएशन किया इंटीग्रेशन किया वैल्यू पुट कर दी, तो ये ही पूरा प्रोसेस चल रहा है इसमें। अगला ये क्वेश्चन है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, दोनों में से किसी को भी टी मान लो, साइन एक्स को ही ले लेते हैं टी, ए एक्स प्लस बी बराबर टी, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए और डी एक्स, सर चेन रूल क्यों लगाया? चेन रूल आप मना कर रहे हो अभी लगाने के लिए, वही डिफरेंशिएशन चल रहा है ये। ठीक है, डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन में मना कर रहा हूं मैं केवल। ठीक है, ये वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू भी है यहाँ पे, ये सब फालतू में आ रही है सर, इसको हटा दो, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी अपॉन में ए, ये और ये हटाया इसकी जगह डी टी अपॉन में ए। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं टी, ये लिख दिया टी, वन अपॉन ए टी का करेंगे टी स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, टी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो
तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, एक चीज और है, एक कुछ ये क्या है, मैं गलतियां बताता हूं तुम्हें ताकि तुम गलतियां ना कर सको। गलतियां इसलिए नहीं बताता ताकि तुम भी यही गलती करो, गलतियां इसलिए बताता हूं ताकि गलतियां सुधारो। इंटीग्रेशन यहां पे ही लगाना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर रखनी है और डी टी लास्ट में ही लिखना है। ये मत करते ना डी टी इधर लिख दिया टी इधर लिख दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए डी टी लास्ट में लिखना है, इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाना है और जो भी वैल्यू है हमारी टी की फॉर्म में वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कॉन्स्टेंट चाहो तो अंदर लिख दो चाहो तो बाहर लिख दो, दोनों सेम चीज है, चल जाएगा। इसको एक्स प्लस बी को माना टी, इसका डिफरेंशिएशन ए, एक्स का डिफरेंशिएशन वन और एक्स है तो डी एक्स, टी है तो डी टी, डी का तो जीरो, ए सर काम का नहीं, हटा दे यहां से ये, हटा दो। डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए, इंटीग्रेट डी एक्स की जगह लिख दिया डी टी अपॉन वन अपॉन ए। एक चीज सुनना, देखो यहाँ पे क्या है कि सर वैसे ही डी एक्स के जगह पे डी टी अपॉन ए ज्यादा वैल्यू लिखनी पड़ रही है, डिफिकल्ट और होगा? नहीं होगा डिफिकल्ट। देखो क्वेश्चन इंटीग्रेशन में पता जब तक नहीं चलता, जब तक वो इंटीग्रेट पूरा नहीं हो जाता, तो सॉल्यूशन करो, मेथड पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो, सॉल्व करो, लास्ट में देखो कि हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा दोबारा दूसरा मेथड लगाओ। ठीक है, पहले से ही सोच लो कि नहीं होगा तो वो नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, वन अपॉन ए बाहर लिखा, डी टी लिखा, ये वैल्यू है हमारे पास, डी एक्स तो हटा दिया, इसकी जगह अंडर रूट, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टी, हुआ नहीं हुआ इजी, वन अपॉन ए टी की पावर 1/2 डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वन अपॉन ए टी की पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 + c, वैल्यू रखेंगे 1/a टी की पावर 3/2 / 3/2 / 3/2, ये 2 ऊपर लिख देता हूँ यार, ये 3 भी इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में यार, थोड़ा इजी कर देता हूँ यार, ये स्टेप कम कर लेंगे यार, चल जाएगा। ए एक्स प्लस बी प्लस सी, टी की जगह वैल्यू लिखती, एक स्टेप कम करिए, कंजूसी करिए थोड़ी, तुम पूरा ही करना। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन 7, ठीक है, अंडर रूट में टर्म खटक रही है थोड़ी यार, और इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट पड़ेगा, इसको टी मानते हैं, एक्स प्लस 2 को टी माना, और इसमें एक कॉन्सेप्ट नया और सीखोगे तो वो देखना, ये एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स और टी का डिफरेंशिएशन डी टी, डी एक्स की जगह डी टी लिख सकते हैं, लिख दिया बिल्कुल लिखा, अंडर रूट इसकी जगह हम लिख सकते हैं टी टी लिखा बिल्कुल लिखा। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल करके लिख दो, टी की पावर 1/2। ठीक है, एक्स बचा है सर, इसकी जगह लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया, एक्स की जगह क्या लिखते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी, देखो एक्स प्लस 2 बराबर टी, ये 2 इधर आएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी एक्स बराबर टी माइनस 2, एक्स बराबर टी माइनस 2, एक्स की जगह लिख गया टी माइनस 2, मल्टीप्लाई करो और फिर इंटीग्रेट करो, टी की पावर 1 मल्टीप्लाई टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2, ठीक है, डी टी इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा 3/2, स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ देखना ध्यान से, 1 + 1/2 होगा 3/2, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर 3/2 + 1 / 3/2 + 1, ये हो जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 आ जाएगा 2 ऊपर तो 4 प्लस। ठीक है, अब देखो बुक में क्या है कि आंसर जो है वो ये वैल्यू नहीं दे रखी, पीछे थोड़ा और चेंज करके दे रखा है, तो कैसे सिंप्लीफाई कर रखा है वो वैल्यू देखता हूँ बताता हूँ। देखो
टू और फोर में टू कॉमन आ सकता है, टी की पावर 5/2, 3/2, तो कम से कम 3/2 कॉमन तो ले ही सकते हैं। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, देखो टी की पावर 5/2 अपॉन में 3/2, मतलब जो हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, 5/2, 3/2 पावर डिवाइड में, और ये एक बार ही समझाऊंगा आगे फिर डायरेक्ट करेंगे, देखो है ना, डिवाइड में है पावर तो माइनस होगी, 5/2 माइनस 3/2 ये आ जाएगा टी की पावर 2/2 काटा तो टी की पावर 1, इधर बचेगा टी की पावर 1 अपॉन 5, ठीक है, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, केवल एक ये 2 बचा अपॉन में 3 बचा, प्लस अब टी की वैल्यू रखो यार, बिठाना पड़ेगा यार, कर लोगे क्या, मान ले कुछ भी बेटा, 2 टी की पावर 3, टी की जगह वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 की पावर 3/2, ये आ जाएगा x प्लस 2 अपॉन में 5 माइनस 2/3, ऐसे हम लेके और सिंप्लीफाई कर दो, 2 x की पावर x प्लस 2 की पावर 3/2, एलसीएम लेंगे 15, ये आ जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 10, ठीक है, 2 अपॉन 15 x प्लस 2 की पावर 3/2, ये आ जाएगा 3x माइनस 4 प्लस, ये हमारे पास पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका, ठीक है, ध्यान से देख लो, कहीं डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि देखो आगे क्या है कि आगे पूरा इतना लंबा ये कैलकुलेशंस मैं नहीं कराऊंगा, बेसिक चीजें समझा दी इसमें, मैं केवल यहाँ तक सॉल्यूशन करूंगा, टी की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई तुम्हें करना पड़ेगा बेटा, कोई क्वेश्चन हाँ नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा उस चीज में, तुम कमेंट में पूछ सकते हो या फिर अलग से पूछ सकते हो तो मैं बता दूंगा वो, ठीक है, देखो 8th वाला गायब हो गया, हम बाद में कराएंगे लास्ट में, चलो यहाँ पे 8th वाला लिखेंगे, ठीक है, अगला 9th क्वेश्चन, अंडर रूट वाली वैल्यू कट की थी यहाँ पे भी, इधर भी कटकेगी तो चेंज कर लो, टी मान लो इसको, ठीक है, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का x का 1, dx बराबर dt, कैसे लिख रहा हूँ ध्यान रखना, dx मैंने दोनों के साथ लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, अब ये वैल्यू तो इसके ऐसी नहीं है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो सकती है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी एक जगह तो कर नहीं सकते, हमारा रास्ता थोड़ी चल रहा है, दोनों जगह करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4x प्लस 2 dx बराबर 2 dt, हटाया 2 dt अंडर रूट, इसकी जगह लिख दिया मैंने, बहुत इजी हो गया, 2 ये आ जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 2 t की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है, t की वैल्यू रख दो 4/3, t की जगह रखा हमने x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है, अगला ये क्वेश्चन कॉमन लेते हैं इसमें, ये आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स कॉमन लिया, इधर बचा रूट एक्स माइनस 1, पर आपको कैसे पता रूट एक्स पहले भी आया था, ठीक है, तो रिवाइज करोगे चीजें तो याद हो जाएगी अपने आप, इसको मानेंगे t, रूट एक्स माइनस 1 को माना t, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, 1 का डिफरेंशिएशन 0 डिफरेंशिएशन, ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ये तो है, ये 2 पाई के लिए आ रहा है सर, ये तो मतलब कहीं है, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स डी टी अपॉन में ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इधर से डिवाइड से जाके, अब अरेंज कर लो यार, अरेंज करो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स हटाया, इसकी जगह 2 डी टी 1 अपॉन इसकी जगह 2 log t, 2 log t की जगह वैल्यू लिख दो, t माना था हमने root x minus 1 plus,
ठीक है। अगला 11th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन टी मानो यार भावनाओं में क्या कह रहे हो, x प्लस 4 को माना t, रूट वाली वैल्यू को t माना, x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt, dx हटाया इसकी जगह dt, 1 अपॉन इसकी जगह लिख दिया अंडर रूट t, x की जगह क्या लिखिए सर, x यहाँ पे बनाया था हमने, 4 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, x बराबर t माइनस 4, x की जगह लिख दिया t माइनस, ये अरेंज हो गया। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, t अपॉन रूट t माइनस 4 अपॉन रूट t dt, ठीक है, अंडर रूट t माइनस 4, ये आ जाएगा t की पावर 1 बाय 2 माइनस का क्योंकि अपॉन में नहीं, ये आ जाएगा t की पावर 1 बाय 2 प्लस का क्योंकि ऊपर आएगा, ठीक है, कैसे आएगा, 1 पावर 1 बाय 2 माइनस करेंगे तो 1 बाय 2 बचेगा केवल और वो ऊपर आ जाएगी वैल्यू, ठीक है, तो इस टाइप से करा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा t की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 माइनस 4 t की पावर माइनस का 1 बाय 2 प्लस 1 तो ये 1 बाय 2 अपॉन में 1 बाय 2 आ जाएगा 2 ऊपर प्लस c। अब कॉमन देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, t की पावर 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है, ऐसे ही इसको 1 बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा t माइनस 4, देख लो एक बार ध्यान से, 2 कॉमन लिया, t की पावर 3 बाय 2 यहाँ पे 1 बाय 2 तो छोटी पावर कम से कम कॉमन आ रही है, ठीक है, कॉमन लिया, इधर बचेगा कॉमन के बाद डिवाइड करने के बाद t की पावर 2 बाय 2 माइनस करेंगे डिवाइड मतलब 2 बाय 2 मतलब 1 तो t की पावर 1 अपॉन में 3 यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, 2 t की पावर 1 बाय 2 3 t माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 3 मल्टीप्लाई 4 12 प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 t की पावर 1 बाय 2 अपॉन में 3 t माइनस 12 प्लस वैल्यू पुट कर दो 2 बाय 3 t की जगह वैल्यू रखेंगे हम x प्लस 4 की पावर 1 बाय 2 x प्लस 4 माइनस 12 प्लस t की जगह x प्लस 4 ये आ जाएगा 2 बाय 3 x प्लस 4 की पावर 1 बाय 2 x माइनस 8 प्लस, ये हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसमें, ठीक है, 2 या 3 नंबर में आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा ये तो, ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला 8th क्वेश्चन बच गया था जो, ठीक है, वही स्टार्ट करते हैं और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट पार्ट में आगे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बोला इम्पोर्टेंट भी बहुत है, इंटीग्रेशन इसके बाद का इसी से समझ में आएगा, ठीक है, देखो अंडर रूट दुश्मनी हो गई अंडर रूट से तो टी, ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx बराबर dt, 4x dx बराबर dt, 4 डिवाइड में x dx बराबर dt अपॉन 4, ठीक है, x हटाया dx हटाया x हटाया dx हटाया इसकी जगह dt अपॉन में 1 बाय 4 ये बचा अंडर रूट t 1 बाय 4 t की पावर माइनस का 1 बाय 4 t की पावर 1 बाय 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाय 2 प्लस 1, ठीक है, 1 बाय 4 t की पावर 3 बाय 2 अपॉन में 3 बाय 2, उसे इसको काटा 2 टाइम वैल्यू आ जाएगी t की पावर 3 बाय 2 अपॉन में 2 3 जा 6 प्लस c, t की वैल्यू 1 प्लस 2 x स्क्वायर 3 की पावर t के पावर 3 बाय 2 था तो 3 अपॉन में 6 प्लस 3
थ्री बाय टू पावर, ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेकेंड पार्ट में। तो पॉज करो इसको, वीडियो को, और नोट करो इसके क्वेश्चन को।